आर सिटिंग इन द टर्बो आर एस ऑल्टो. ये जैपनीज है लेकिन मैनुअल है जैसा आप देख सकते हैं. और बाकी फीचर्स जो हैं वो आपको रिव्यू में पता लगेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं. लेकिन फर्स्ट थॉट जो है वो गाड़ी मज़े की है यार. ये मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑल्टो पसंद नहीं है लेकिन इसकी लुक्स और इसकी साउंड और ऑब्वियसली इसका मीटर आप देख सकते हैं. अभी हमने शीशे खोले ताकि थोड़ी सी साउंड जो है गाड़ी की आए. लेकिन वायर का साउंड ज़्यादा वायर का साउंड ज़्यादा आ रहा है. बाकी अच्छा वैसे यार ये गाड़ी एकदम ही उठती है. पीती थी टर्बो है ना यार ये. यार अभी हम लोग रुके हुए थे और मेरे माइंड में यही आया कि पाकिस्तानी ऑल्टो जो है उसमें ये फ्रंट सीट के ऊपर इतना लेग रूम नहीं है जितना मुझे नज़र आ रहा है. तो यार अली आपने लोकल ऑल्टो भी चलाई है तो कितना को डिफरेंस फील हो रहा है पावर के अंदर यार? क्योंकि मुझे याद है पिछली वीडियो में आपने कहा था कि मैंने चलाई हुई है ऑल्टो. भाईजान ने मुझे शुरू में ही कहा था कि हॉर्न कम देना. अब क्या करेंगे यार ट्रैफिक पाकिस्तान की. यार ट्रैफिक के लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो जो है ना बहुत रीसेंट आने वाली है ट्रैफिक टेल्स के नाम से. तो उसके लिए भी आपने जो है ना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि वो वीडियो मैं लाजमी बनाऊँगा क्योंकि मैं इस ट्रैफिक से ना तंग आ गया हूँ डेली ड्राइव करके ना. तो एक ट्रैफिक लाजमी बनेगी वीडियो एक वीडियो जो है देखा क्या हाल हो गया. एक वीडियो लाजमी बनेगी इसके ऊपर. सो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट. इसका जो एग्जॉस्ट है ना पीछे वो काफी लो है ना. चले हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं. बस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और बाकी बातें वही बात. मैंने कोशिश तो की 0 to 100 की बट शहर में इस गाड़ी का तो मुश्किल है. हाँ बिल्कुल कोई ऐसा रोड हो ना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो वहाँ पे हो सकता है वरना क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है. वैसे इसने लेना नहीं था अगर ट्रैफिक ना होती तो अभी भी हो सकता था. वो पुल भी था ना. हाँ तो मैं भी तभी वो तो गाइस आज अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले. और आज हमारे पास बड़ी एक यूनिक किस्म की गाड़ी है और टर्बो के साथ है. पीछे आप देख सकते हैं ये कोई आम गाड़ी नहीं है. दिस इज़ अ जैपनीज इम्पोर्ट टर्बो सुजुकी ऑल्टो. और इसके बारे में सारे रिव्यू शिव्यू भाई ने दिया है. और मैं क्यों नहीं कुछ बोल रहा इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहा यार. आप शर्ट्स देखें आज मैचिंग लग रही है ना. और मैं कितने लोगों ने आज कह दिया कि यार ये आप रिव्यू के लिए जान के पहन के आए हो. मैं आपने कहा नहीं ये कुदरत का कमाल है. हाँ देख कुदरत ही हुई है मैचिंग. तो इसका रिव्यू जो है वो स्टार्ट कर लूँ. तो गाइज़ आज है हमारे पास सुजुकी की आल्टो जो कि टर्बो है 660 इंजन के साथ ही है. बट ये टर्बो है और ये जैपनीज़ मॉडल है. ये लोकल वाला मॉडल नहीं है. तो आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो
टर्बो के लिहाज से ना मॉडिफाइड हुई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन आप देखें सेम वैसी है, बट ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये टर्बो वाला है, और ये इंजन हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरी आप इसकी लाइट्स में आ जाएंगे। लाइट्स में देख सकते हैं कि इसके प्रोजेक्शन हेडलाइट लगी हुई हैं, और यहाँ पे जो है इसकी पार्किंग लाइट है, और ये जो है हेलोजन में इंडिकेटर्स है। और नीचे आ जाएंगे फॉग लाइट्स, जो कि ये भी हेलोजन में है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन के साथ मतलब इन्होंने किया हुआ है, ब्लैक और ब्लू। और आपको एक और बात बताऊँ कि मतलब जो वर्क्स है, वर्क्स ये इंटरनेशनली भी समझ सकते हैं आप, और ये जो बाहर के मुल्क जापान में है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड गाड़ियाँ करती हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा जापान में नाम है, बट यहाँ पे आपने फ़र्स्ट टाइम सुना होगा मे भी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी यहाँ पे क्रोम की ट्रिम है, और यहाँ पे टर्बो मेंशन है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे जो आप इसकी ग्रिल देख रहे हैं वो ब्लैक और ग्रे की कम्बिनेशन के साथ दी हुई है। अच्छा, अब हम साइड प्रोफाइल में चलते हैं। साइड प्रोफाइल में देख सकते हैं आप रेस के जो हैं इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, बट मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी जो गाड़ी है कंपनी की तरफ से ऐसी नहीं है, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हुई हुई है मज़ीद, और जो कि जापान से ही हुई हुई है, पाकिस्तान से एक भी मतलब परसों आई है और अभी तक कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की, क्योंकि इसमें और कितनी मॉडिफिकेशन की जा सकती है। अच्छा, इधर आ जाएंगे तो इसके साइड व्यू मिरर देख सकते हैं आप, यहाँ से ब्लैक कलर में है, जो कि एक ट्रिम जैसे आगे मैंने आपको बताई थी वैसे। और यहाँ पे आ जाएंगे तो कीलेस एंट्री के साथ है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, कीलेस एंट्री के साथ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बटन है, साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं ये वाली, और बाकी मज़ीद आप बैक साइड पे आ जाएंगे। बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर वर्क्स आल्टो का जो है वो बैजिंग लगी हुई है, 660 जो है इसकी जो इंजन की कैपेसिटी मैंने आपको बताई वो है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रोम की ट्रिम लगी हुई है इसकी लुक के लिए, बैक से ऊपर जो है स्पॉइलर लगा हुआ है, और उसमें जो है एंटीना है। और बाकी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपके इसके भी थ्रू आप जो है अपनी ट्रंक जो है, और सॉरी इसमें जो है गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो अब हम इसको लॉक कर देते हैं और नीचे आ जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये क्रोम की ट्रिम जो है लगी हुई है, और जो ब्लैक कलर के साथ ब्लू के कम्बिनेशन के साथ इन्होंने फर्दर किया हुआ है। और नीचे सबसे पहले नीचे आपको जो है वो मैं एग्जॉस्ट दिखा सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और गाड़ी की लुक भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो सस्पेंशन है वो उसमें भी मॉडिफिकेशन हुई हुई है। गाड़ी लो है, लेकिन इतनी लो नहीं है जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं, ये फिर भी मतलब डिसेंट है कि आप किसी भी जंप को क्रॉस कर सकते हैं इजीली, आपको इशू नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो गाड़ी को अनलॉक करके इसके इंटीरियर की तरफ आप देख सकते हैं, ये देखें मैं बैठ रहा हूँ तो काफ़ी लो है गाड़ी। यहाँ पे जो है ब्लैक ट्रिम दी हुई है, और जो फुली ऑटो है वो ये वाला मिरर है ड्राइवर साइड वाला, जो दूसरे सेमी ऑटो हैं वो बाकी तीन है। यहाँ पे डोर हैंडल्स देख सकते हैं आप क्रोम की ट्रिम के साथ है, यहाँ पे फाइल होल्डर है, यहाँ पे स्पीकर है। और मज़ीद हम इसके अंदर वाली साइड पे चलेंगे, बल्कि मैं आपको निकल के दिखाता हूँ इसकी सीट्स देखें, जो कि इसकी बकेट सीट्स हैं, मतलब फुल शशके। अच्छा, अब हम इसके अंदर आ जाएंगे तो अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप जो कि पुश स्टार्ट है। और नीचे मज़ीद आ जाएंगे तो यहाँ से आप बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूल गेज जो है वो ओपन कर सकते हैं, और सीट्स जो हैं वो मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे एसी का जो है वो विंड्स देख सकते हैं आपके क्रोम के साथ है। और अब हम इसको ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं, और आपको याद होगा कि हमने उसमें बताया था यारिस में कि क्लच को पकड़ के गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ऐसे करूँगा तो गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं होगी, अगर मैं क्लच को पकड़ के स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। एग्जॉस्ट का साउंड भी आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम इसके मीटर की तरफ चलते हैं। मीटर की लाइट जो है मैं ऑन कर देता हूँ। मीटर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं ये जो है आरपीएम का है, ये जो है इसका स्पीड मीटर है जो कि 140 तक जाता है, और यहाँ पे जो है एक छोटा सा डिस्प्ले दे दिया है जो आप इस बटन से आप चेक कर सकते हैं कि मतलब ये 33,613 टोटल गाड़ी डन है, मतलब कि अच्छी खासी किसी ने ड्राइव की हुई है पहले। और दूसरी और बात मज़े की है कि आप इसका ये देख सकते हैं कि स्टेयरिंग व्हील में आप देख सकते हैं कि मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे,
तो चलें देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो अब हम आ गए हैं इसकी इस साइड पे, तो इस साइड पे आप देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि जेन्युइन एलसीडी पैनल लगा हुआ है इसमें सुजुकी का। और ये देखें, हेलो हेलो भी कर रही है। और ये देखें सुजुकी का जेन्युइन पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो हैजर्ड साइन का बटन है, और दूसरा यहाँ पे जो है कॉइन्स रखने की स्पेस है, एसी के विंड्स हैं यहाँ पे। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें आपकी फ़ैन की स्पीड और सब कुछ बता रहा है। और इसमें ये भी है कि मतलब आउटसाइड टेम्परेचर में आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भी दे रहा है। और ये जो है स्पेस आप देख सकते हैं कि लोकली भी पाकिस्तान की जो आल्टो है वो भी सेम ऐसे है कि अगर ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे जो है गियर लीवर लगा होगा, ये मैनुअल है तो इधर लगा हुआ है। और दूसरा हम इसकी नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी स्पेस दी हुई है। और ये कप होल्डर है जिसमें मेरे ग्लव्स पड़े हुए हैं। और ये इधर गियर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन फाइबर का डिज़ाइन दिया हुआ गाड़ी में ना इस साइड पे, और मुझे कहीं नज़र नहीं आया बट इस साइड पे जो है इसकी लुक के लिए दिया हुआ। ये हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो टू कप होल्डर्स हैं जो कि बैक साइड के लिए। और यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकते हैं सेम ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है जैसे पाकिस्तानी डैशबोर्ड है, लेकिन थोड़ा सा रफ़ हुआ हुआ है। और यहाँ पे SRS एयरबैग हैं, और यहाँ पे स्टेयरिंग में भी है। तो ये था इसका इस साइड का। तो अब हम चलते हैं इसकी बैक साइड पे, तो बैक साइड पे देखते हैं क्या सीन है। तो अब हम आ रहे हैं इसकी बैक साइड। ओहो सॉरी, ये हमारा सामान है और इसको। अच्छा अब हम बैक सीट्स में आ गए। यार इस गाड़ी में ये चीज़ बहुत है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे समझ लें कि आपको फील आती है अंदर बैठ के खुली है। आई डोंट नो कि क्या सीन है, लेकिन शेप भी सेम वैसी है बट मुझे क्यों फील आती है कि ये खुली गाड़ी है। और ये आप बैक सीट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसके हेडरेस्ट लगे हुए हैं जो कि पाकिस्तानी जो लोकली आल्टो है उसमें नहीं होते। और हमने वो पहली भी वीडियो बनाई थी तो हमसे काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, बट हम हेडरेस्ट इस तरह के तो नहीं लगा सकते। हम तस्वीर चल रही है उस तरह के हम बना के दे सकते हैं, बट आपको गाड़ी लेके मुल्तान आना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से नहीं भेज सकते हेडरेस्ट। अच्छा तो देख सकते हैं आप स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और हेडरूम भी देख सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मिरर हैं वो भी आटो हैं बैक साइड पे। अहमद वहाँ से आपको दिखाएगा। नीचे वाली साइड पे स्पीकर है। और ये था इसका बैक सीट्स का सीन। अब हम चलते हैं इसकी ट्रंक वाली साइड पे। तो ट्रंक जो है हम ओपन करेंगे। सॉरी ऊपर सामान पड़ा हुआ गाड़ी के। और ये ट्रंक ओपन हो गया, और यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं आप जो कि नॉर्मल है क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब इसमें आप अब बेचारी छोटी सी गाड़ी की जान लोगे। अच्छा ये है जनाब इसका ओवरऑल रिव्यू था। हाँ ये काजमी मोटर्स में स्टिकर नहीं लगा, वो फ्रंट साइड पे लगा था। काजमी मोटर्स में फॉर सेल है, तो मे भी इसकी डील एक दो दिन में डन हो जाए क्योंकि ये यूनिक है ना, आपने लुक भी देख ली है। तो लोग कहते हैं कि मतलब अगर हमने ले के मॉडिफाइड करवाना है तो क्यों ना हम टर्बो वाली ही ले लें मॉडिफाइड। और ये 25.50 इसकी डिमांड है या इसकी फाइनल प्राइस है, नीचे नंबर चल रहा है आप पूछ सकते हैं। बट मेरे आइडिया से ना जब आपने फ़ोन करना है और जब ये रिव्यू देखना है तो ये गाड़ी सेल होगी होगी। तो ये था इसका रिव्यू। तो हम मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू पे। तो इजाज़त है, कह रहा हूँ पूछ नहीं रहा। और नीचे एग्जॉस्ट देख सकते हैं आप आखिरी। ओके अल्लाह हाफिज़।